गैरसैंण ब्लॉक के दुरस्त खंसर क्षेत्र के धामदेव में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आहूत विधिक जागरूकता शिविर में महिलाओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर समस्याओं को सामने रखा। वहीं सीनियर डिवीजन जज ने महिलाओं को उनकी शासन संबंधी समस्याओं को जिलाधिकारी के माध्यम से सुलझाने का आश्वासन दिया, साथ ही न्यायिक मामलों पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई किए जाने की बात कही और ये भी कहा कि विधिक सेवा जिला, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से कार्य कर रहा है। वहीं शिविर में पुलिस, वन, खंड विकास और स्वास्थ्य विभाग प्रतिनिधियों द्वारा विभागीय कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। विधिक सेवा समिति का कार्यक्रम था और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जो हैं यहाँ पर आए थे और यहाँ पर क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र था, हम चाहे थे कि इन कैंपों की सार्थकता जो है तभी है कि जब ये दूरस्थ क्षेत्र में, क्योंकि लोगों को अक्सर लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कानून की जानकारी कम होती है, तो कानून की लोगों को सम्यक रूप से जानकारी मिले कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, इस प्रकार की उनको जानकारी मिले, इसलिए कैंप आयोजित किए गए हैं कि एक विधिक साक्षरता शिविर से लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिले कि उनको कैसे कानून का पालन करना है, कौन से कानून कहाँ पर हैं, उनकी पारिवारिक समस्याओं में कौन से कानून लगते हैं, कौन किस प्रकार का जो जुर्म होता है उसमें कौन किस प्रकार से उनको जमानत मिल सकती है, या महिलाओं के जो 125 के संबंधित मामले हैं, घरेलू हिंसा से संबंधित मामले हैं, इस बारे में जानकारी दी गई। साथ ही इसके अतिरिक्त विधिक सेवा विधिक जो ये हमारा नालसा, सालसा, डालसा और विधिक सेवा तहसील की विधिक सेवा होते हैं, इसके बारे में उनको विस्तृत से जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पहले क्या होता था कि जो भी हमारे मैजिस्ट्रेट होते थे, सीजीएम साहब के पास पहले ये कार्य होता था कि हम लोगों को जन जागरूकता फैलानी, लोगों को सरल रूप से कानून की जानकारियां देनी, क्योंकि जहां हम देखते हैं कि हमारा समाज शिक्षित ही नहीं है तो वहां कानून की जानकारी होना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए ये जो साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है उसके लिए पृथक से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आया। ये हमारे जस्टिस पी एन भगवती जी की सोच रही 1986 में जब ये कानून आया और तब उसके तहत कहा गया कि एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होगा जिले स्तर पर, ऐसे ही राज्य पर हमारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है और हमारा फिर नालसा है जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। तो हर ग्रास रूट लेवल पर इसका आयोजन किया जा रहा है ताकि हम लोगों तक पहुंचे, उन्हें सरल रूप से कानून की जानकारी दें, क्योंकि